स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूँ आपके साथ ऋतु गहनवाल। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहाँ पर एयरपोर्ट रोड पर देर रात दो कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवती समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा माना थाना इलाके का बताया जा रहा है। देर रात की घटना आपको बता दें, रायपुर की खबर आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट रोड पर दो कारों में आपस में भिड़ंत हुई है, पांच लोग घायल हुए हैं, एक युवती भी उसमें शामिल है। माना थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हेमंत शर्मा जुड़ गए। हेमंत, आखिर किसकी लापरवाही सामने आई है और घायलों का क्या स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए ऋतु, ये पूरी घटना देर रात की है और वीआईपी रोड जो एयरपोर्ट रोड है वहां पर ये पूरी दुर्घटना हुई है। और ऐसे भी उस रोड को खतरनाक माना जाता है, क्योंकि जब भी देर रात होती है तो वहां पर बेधड़क तेज रफ्तार में जो गाड़ियां हैं वो दौड़ती नजर आती है। और इसी का खामियाजा है कि ये इतनी बड़ी जो सड़क दुर्घटना है वो हो गई, जो दोनों कार है वो आपस में टकरा गई और करीब सात से आठ लोग दोनों कार में मौजूद थे, उसमें से एक युवती समेत पांच लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। और तुरंत जैसे ही घटना हुई है यहाँ पर जो 108 एम्बुलेंस है और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और सभी को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर कहाँ के वो रहने वाले थे ये भी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि देर रात की घटना है और कुछ देर बाद ये स्पष्ट होगा कि वास्तविक घटना का कारण क्या था। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत जानकारी को साझा करने के लिए।